हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 की, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के जो 788 पदों पर वैकेंसी थी, उसकी अनुमानित कट ऑफ के बारे में देखेंगे। और दोस्तों, आप यकीन मानिए, 100% सटीक विश्लेषण हमने इस कट ऑफ के अंदर किया है, और बिल्कुल हमारे अनुमान के मुताबिक जो हमने काफ़ी जो हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, उनसे पूछ के और काफ़ी सर्वे करने के बाद में ये कट ऑफ है वो आपके सामने देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम 2000 जो 16 वाली वैकेंसी है उसकी जो कट ऑफ क्या गई थी उसका भी विश्लेषण करेंगे, और उसके बाद में जो ये भर्ती है उसकी कट ऑफ है आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अपन फर्स्ट ग्रेड के वीडियो भी जो फर्स्ट पेपर के हैं वो भी अपन इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं क्या कट ऑफ है वो रह सकती है। उससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अपन सभी सब्जेक्ट की जो अनुमानित कट ऑफ है वो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 भर्ती है एक्सेप्टेड कट ऑफ इंग्लिश की। तो दोस्तों, अगर बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी उसकी जो पोस्ट थी वो 688 पोस्टें थी, और अब की बार 788 है, यानी लगभग 100 पोस्टें ज़्यादा है। तो जनरल की अगर पिछली बार की बात करें तो वो गई थी 371.67%, ओबीसी की गई तो 366.28%, और एससी की गई थी 334.39, और एसटी की गई थी 300.46। तो दोस्तों, ये जो 2016 वाली भर्ती थी जिसमें 688 पोस्ट थी उसकी मेरिट है। तो अब की बार अपन जो कट ऑफ है वो देखते हैं कि कितने जा सकती है। दोस्तों, बात करते हैं 2019 की पोस्ट की, तो 788 टोटल पोस्ट हैं। जनरल की अगर बात करें तो अब की बार जो कट ऑफ है वो 375 से 378 के बीच में जा सकती है। ओबीसी की बात करें तो 370 से 373 के बीच वो जा सकती है। एससी की बात करें तो वो 336 से 338, और एसटी की 303 से 307 के बीच में कट ऑफ पे वो रह सकती है। तो दोस्तों, बिल्कुल ये कट ऑफ पे हमने 100% सटीक विश्लेषण इसमें किया है। आपके सुझाव भी आमंत्रित है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आपकी राय में कट ऑफ पे वो क्या जा सकती है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।